हम करने वाले हैं और थोड़ा सा समझेंगे भी थोड़ा आप पोल का भी यूज करेंगे ताकि रियल टाइम में आपको फीडबैक भी मिल सके मान लीजिए आप पेपर में ही बैठे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छा एक और चीज है जो यूपी टेट में मैंने स्पेसिफिकली नोटिस किया हालांकि पैडोलॉजी में ये चीज चलती है कि कुछ क्वेश्चन में मान लीजिए सिक्सटी क्वेश्चन है तो तीन या चार क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आंसर की में कुछ और है होना कुछ और चाहिए है ना या फिर दोनों आंसर सही होने चाहिए तो इस तरह के तीन चार क्वेश्चन थे जो जिनको आप हल्का सा डाउटफुल कह सकते हो कल मैंने आपको मार्क करके दिए थे आंसर्स जनरली मैं पीडीएफ में मार्क करके देती नहीं हूँ तो कल आपको मैंने 60 क्वेश्चंस मार्क करके दिए थे तो जिनमें दो मार्क mark, मार्क्ड हैं दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डबल मार्क् हैं तो वो दोनों ही सही है और जो वो कॉगनेटिव प्रोसेस वाला क्वेश्चन था कोहलर का उसमें उन्होंने परसेप्शन को सही माना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार रियल आंसर की इनके निकाल के पता करना

आपको फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वेड पर जहां हम पांच लाख तीन हजार लोग जुड़े हुए हैं और और क्या और तो ऐसे नंबर्स पे अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं कितने ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे तो उस बात का कोई आ, मतलब नहीं होगा है ना और आ जाओ पहले आप मेरा नाम नहीं लेते कोई कह रहा है रो रहा है और कोई तो भाई सैम रो मत मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन नहीं गया आज अभी तक खैर कोई नहीं वो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक फटाफट से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ये स्पेशल बैच है इसका डिस्काउंट अभी 26 तक चलेगा इस पर बाइस लिखा है या हो सकता है आगे भी कंटिन्यू हो जाए तो बहुत ही मन से और तर, तरीके से बैच चल रहा है और आप लोग बहुत संख्या में जुड़ भी गए हैं तो जिनको अभी भी लगता हो कि एनरोल करना है किसी भी पैटेगोजी के किसी भी एग्जाम के लिए टेट के या डीट प्लस भी या कोई भी तो एक डिटेल्ड बैच है पेडागोजी का जिसमें हम क्वेश्चंस भी करते हैं जिसमें हम तो करते ही हैं Daily, की होती है, तो ये कुछ ट्रिपल नाइन का बैच है डाउनलोड करना पड़ेगा एक बार. One, -फट से. में लिंक भी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर वन देखिए और करियर विल ऐप जो है आपका वो एंड्रॉइड आईओ और वेब वर्जन सब पे अवेलेबल है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है रिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा एक पेयर है कौन सा एक जोड़ा है जो ट्रू नहीं है नॉट ट्रू है फटाफट से पोल में आंसर कीजिए ठीक है? तक का भी समय मुश्किल आपको मिलेगा बस फटाफट आपके सामने पोल प्रेजेंट होगा और आपको आंसर करना है डी ऑप्शन कह रहे हैं सिक्सटी परसेंट लोग यानी होलिस्टिक थियोरी हल ने नहीं दी है जो कि बिल्कुल सही बात है हल ने कौन सी दी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है हल की और स्टिमुलस रिस्पांस थी को थोडाइक ने दिया है ये बात बिल्कुल सौ परसेंट सही है ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते है, ने है, जिसको भी कहते है. तो ये हमें पता होना चाहिए आगे बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ द यूजेनिक्स फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको कहा जाता है सुजनन शास्त्र कह लीजिए बेसिकली डिजायरेबल ट्रेड्स के बेसिस पे

ठीक है इनको हम ध्यान में रखेंगे ये यूजेनिक्स की बात करते हैं डिजायरेबल ट्रेड्स की बात करते हैं हेरिडिटी को जोड़ते हैं इंटेलिजेंस से ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर है थ्री पर्सनलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड किसने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है बताइए एक बार किसके ग्रंथियों के ग्लैंड के जो ग्लैंड होते हैं हमारी पिट्यूट्री है और भी कई सारे ग्लैंड हैं तो उनके बेसिस पे पर्सनैलिटी की थियोरी दी है किस एक व्यक्ति ने बताई एक बार फटाफट से सबका आंसर इसमें अलग अलग है है ना एक बार पोल में दिखाना कितने परसेंट लोग क्या आंसर कर रहे हैं पता तो लगे थोड़ा सा हम्म <laughs> हाँ ओके, ओके 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 नाइस बहुत इसमें आप लोगों का आ, क्या कहें एक तरह से विवाद है ठीक है हटा दो पोल हटा दो हाँ चलो खैर इसका आंसर हम कैनन कंसिडर करेंगे ठीक बात क्रैचमर ने भी ऐसी ही की है, बट वो टाइप्स तो पे ज़्यादा चले नंबर फोर क्रिएटिविटी इज मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस दी ओरिजिनल आउटकम्स अब ये एक परिभाषा दे दी है कि क्रिएटिविटी जो है सृजनात्मकता वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया को कहा जाता है तो ये किसने कहा है ये हमसे पूछा है अब ये तो तुक्के वाले क्वेश्चन हैं क्योंकि इनको आप कितना भी रट लीजिए जरूरी नहीं है पेपर में आ जाए कल मैं एक वीडियो आपका वन लाइनर का भी अपलोड करा दूंगी या लाइव ही ले लूंगी आप लोग वन लाइनर के लिए डिमांड कर रहे थे फटाफट आंसर कीजिए सब अपने अपने हिसाब से इसका जवाब दे रहे हैं कह कह रहे रहे हैं हैं है, है, है फिर ठीक बात आपकी कुल मिला करके। इसका आंसर होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे, पोल हटा दो, Next question की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन की फॉर्म में द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना किस स्टेज से कंसिडर की जाएगी या फीचर होगी किस स्टेज का विद्रोह की भावना फीलिंग ऑफ रिवोल्ट ये हमने पेडोलॉजी स्पेशल में किया हुआ है बैच वन में अगर आप जुड़े थे तो अगर फीलिंग ऑफ रिवोल्ट की हम बात करते हैं तो ये कौन सा स्ट्रेस एंड पीरियड याद कर लीजिए वही है ये इसको हम अर्ली एडोलेसेंस से जोड़ेंगे वो जो 12 से 14 वर्ष का 16 वर्ष तक का जो समय है वो इसका हिस्सा होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे इस इसी पीरियड को ट्रांजिशनल एज कहा है किसने किसी ने नहीं बस इसको ट्रांजिशनल एज कहा जाता है किसको एडोलेसेंस को इसको ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है ब्रिज गैप भी कह देते हैं कई लोग इसके अलावा इसको हम स्ट्रेस एंड स्टॉम तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं स्टैनली हॉल और उनकी एक बुक भी है जिसका नाम अडोलसेंस है स्टैनली हॉल के द्वारा ही रिटर्न आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर है सिक्स इसी टाइम पे हीरो वर्शिप और ये सारे गुण होते हैं बच्चों में क्वेश्चन नंबर सिक्स है द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड यानी सीखने का वो समय वो अवधि जहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट

फॉर्मूला की किसके आईक्यू के फॉर्मूला की आज आप लोग सो गए हैं मुझे लग रहा है आज नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पहुंचा है क्योंकि जो संख्या है आपकी वो बता रही है नोटिफिकेशन जैसे गया ना हो खैर ये सब तो कोई बात नहीं ये सब तो चलता रहता है फटाफट पट से पोल में आंसर करो फिर आगे बढ़ेंगे ये देखो पूजा श्रीवास्तव कह रही हैं आपके सारे क्वेश्चन बुक के हैं पूजा अगर कभी पेपर उठा के देखा होता ना तो ये दुख आपके सामने व्यक्त नहीं होता ना आपने पेपर वन देखा ना पेपर टू देखा यूपी का ये सब आए हुए रिपीट होते हैं हर साल है ना आप बताओ इन लोगों का क्या करें जो पेपर भी नहीं उठा के देखते प्रीवियस ईयर लाइक शेयर करो यार कम कर रहे हो आजकल चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से चलें मैं चेक करना चाह रही हूँ नोटिफिकेशन गया है कि नहीं देखिए इसका सिंपल आंसर जो है 92 परसेंट सही दे रहे हैं मावा से याद रखना है इससे भी हर बार क्वेश्चन है एम ए अपॉन सी यानी मेंटल एज मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मा वाह मा फॉर मानसिक वा मा के नीचे वा आएगा, मा वाह इन टू हंड्रेड ठीक सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ये जो फॉर्मूला है ये स्टर्न ने सॉरी ये टर्मन ने दिया और ये आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टर्न ने दिया मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने ने दिया तो तीन नाम आपको इस फॉर्मुला के साथ याद रखने हैं आगे बढ़ेंगे

इसका आंसर होगा क्या बताओ एक बार आसान क्वेश्चन है तो नाइनटी आंसर्स आपके सही भी आ रहे हैं चलिए समझते हैं फटाफट से अगर हम बात करते हैं किसकी ट्रायल एंड एरर। त्रुटिया एवं प्रयास का सिद्धांत थॉन्डाइक अगर एस आर बॉन्ड पूछ ले तब भी आंसर क्या होगा थोंडाइक। कनेक्शन में यानी संबंधवाद का सिद्धांत पूछ ले तब भी आंसर क्या होगा थॉन्डाइक ठीक है बिल्ली पे उन्होंने प्रयोग किया था फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी मनो शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पर इन नॉर्मल जायगॉट जो एक नॉर्मल जायगॉट होता है आ, संयुक्त कोशिका में कितने गुणसूत्रों की मात्रा होती है जोड़े कितने होते हैं गुणसूत्र के यानी नंबर ऑफ या फिर पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स. क्रोमोजोम्स के कितने पेर होते हैं में फर्टिलाईज एग को हम जयगॉट कहते हैं ठीक है तो इसमें मेल और फीमेल से अगर हम बात करें ये कितनी बार हम सीटेट में भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन आता भी है एक क्वेश्चन और इसके आसपास ही पूछा जाता है जो बनता है कि विच इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी तो आप कहते हैं जीन इज दी

जो जोड़े हैं वो तेईस हैं और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछेगा तो फोर्टी सिक्स क्योंकि एक पेयर में दो होंगे भाई जोड़ेगा मतलब ही ये है ठीक है जैसे आपके चप्पल या जूतों के पेयर हैं उसमें क्या है पेयर बोलते ही हम उसको है जिसमें दो का संग्रह हो एक तरह से ठीक है तो इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या आपको होनी चाहिए टोटल नंबर पूछता तो फोर्टी और अभी जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है पूछ रहा है ठीक तो ये बेसिक बात हम ध्यान रखेंगे आइडेंटिकल आइडेंटिकल और और फ्रेटर्नल ट्विंस भी याद कर लेना मैंने आपको कई क्वेश्चन बता दिए हैं जिन लोगों का ध्यान सुनने पर नहीं होगा ना वो फिर ये कहेंगे पेपर में पता नहीं कहां से आई थी चीजें अरे चार चीजें आपको और एक्स्ट्रा बताई हैं इसके साथ आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल हालांकि आप लोग मुझे तो ऐसा कभी नहीं कहते हैं ऐसा होता नहीं है लेट्स सेंस अगर आपने तैयारी की है और पेडोलॉजी ना आपके काम आए ठीक लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा चीजें आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी आपके और 10-15 नंबर बढ़ सकते थे अगर आपने इन पे ध्यान दिया होता आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ट्विंस जिनका सेम सेक्स होगा सेम शक्ल होगी फ्रेटर्नल होते हैं जो अलग अलग हो सकते हैं बॉय या गर्ल हो सकते हैं गर्ल या बॉय हो सकते हैं ठीक ये एक बेसिक सी बात है क्लियर है बात हेरिडिटी की यूनिट जीन ट्राइसोमी ट्वेंटी जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं ठीक आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन नंबर टेन है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी इज प्रोपाउंडेड बाय ये ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है जिसकी हद नहीं और बहुत बार पूछा गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं इसको और आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स स्टिमुलस टाइप ऑफ कंडीशनिंग आरएस आरएस आर बॉन्ड पूछेगा तो स्किनर एसआर पूछेगा तो थॉर्नडाइक तो 87 परसेंट लोग डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं यानी स्किनर के साथ जा, जा रहे हैं

मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है बीएफ स्किनर को इनका प्रयोग जो था वो एक पिजन पे था पिजन बोले तो कबूतर पे और दूसरा आपका रैट पर था ठीक है स्किनर इज विनर कहा जाता है क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट अच्छा पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट में क्या अंतर है कोई बताएगा आप में से मैं बता देती हूँ पनिशमेंट जो होती है वो किसी भी व्यवहार को कम करने के लिए दी जाती है वहीं री जो है वो व्यवहार को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा ठीक है आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ ले तो आपने कोई शोर आ रहा था कहीं से वो गेट बंद कर दिया आपने कोई एक्सटर्नल चीज थी जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था आप उस फोन को ले गए कहीं ठीक पनिशमेंट क्या है आप एड कर रहे हैं कोई भी चीज या हटा रहे हैं किस लिए ताकि एक पर्टिकुलर व्यवहार कम हो जाए ठीक है अगर हम बात करते हैं कोहलर की तो कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फोलोइंग फॉलोइंग अगर हम बात करते हैं कोहलर की तो कोहलर से भी हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में वोल्फ कोहलर किससे संबंधित है गैस्टाल्ट से संबंधित है किस पे इन्होंने प्रयोग किया एप्स पे प्रयोग किया जिसको आप चिंपैंजी भी कह सकते हो और सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था जो जिसके लिए बहुत फेमस है इंसाइट लर्निंग दी इन्होंने आहा मूवमेंट या फिर अगर हम बात करें आहा मूवमेंट के साथ दूसरा एक और शब्द क्या है एकदम से सडन आइडिया सडन इंसाइट ठीक है सडन सोल्यूशन इज द रूल इन गेस्टाल्ट लर्निंग इतनी बात क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी चले आगे कोहलर इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ लर्निंग ठीक है पर्सनैलिटी की थ्योरी कोहलर ने नहीं दी डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं दी मोटिवेशन की थ्योरी नहीं दी सीखते कैसे हैं समस्या का समाधान कैसे करेगा लर्निंग कैसे हुई इस जी की इनसाइटफुल लर्निंग नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नाम है सिंपल बात है कि ये लर्निंग की थ्योरी है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है ट्वेल्व फ्लूड मोजैक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज बाय यानी बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत को किसने दिया चाहे फ्लूइड हो यहां पे चाहे क्रिस्टल हो क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात कौन करता है फटाफट से बताइए क्रिस्टल इंटेलिजेंस होती है जो आप पढ़ लिख के आपकी बुद्धि में एकत्रित करके बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और फ्लूइड होती है आपकी हेरिडिटी से ज्यादा संबंधित होती है जो स्पॉन्टेनियस कोई डिसीजन वगैरह लेते हैं या क्रिएटिविटी वो फ्लूइड से जुड़ी हुई होती है सो मच ग्रेटिट्यूड टू यू मैम आई जस्ट गेव माई सीट एग्जाम टूडे एंड ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम लेट्स लर्न लॉर्ड्स ऑफ लॉ फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा थैंक यू बहुत सारे मैसेजेस कॉमेंट्स मुझे मिले हैं आज स्वर राथ, राथ नाम है ना, आपको अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ सुपर चैट करके, यू की नींद आती है जब आप लोगों को वो पेपर में मदद करती है मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ और वो निस्वार्थ होता है बाकी चीजें अपने आप फिर बन जाती है वो बाय प्रोडक्ट है ठीक है देखिए एक बार अगर हम बात करते हैं फ्लूइड की तो ये रेमंड भी कैटल नहीं दिए हैं क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस दोनों ठीक है ये इंटेलिजेंस से संबंधित है क्लियर बात है फॉलोइंग जो बुद्धिशीलता का मॉडल है ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्या है आपने बच्चों को बिठाया ग्रुप में और उनको अलग अलग सोल्यूशन अलग अलग प्रॉब्लम के सोल्यूशन सोचने को कहा ठीक है तो ये इससे क्या होगा डायवर्जन थिंकिंग आएगी या बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे या किसी समस्या का समाधान करेंगे समस्या का समाधान करेंगे लेकिन क्रिएटिवली करेंगे क्योंकि बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और ब्रेन स्ट्रॉग कर रहे हैं अलग अलग आइडियाज लेकर के आ रहे हैं तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और यही ऑफिशियल आंसर भी है आप यूपीटेट को अगर चेक कर पाए तो कर लीजिएगा ये तो मुझे पता है कि ये पेपर कब हुआ था और इसका आंसर क्या आया था ऑफिशियल

अगर हम बात करते हैं हालांकि पेडागोजी सब्जेक्ट भी ऐसा ही है ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल है ये ध्यान रखिएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग को दिया किसने है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक विधि है समस्या समाधान की क्रिएटिविटी की ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एलेक्स एफ ऑसबर्न ऑसबर्न नाम के व्यक्ति हैं ऑसबर्न जिन्होंने इसकी बात की है किसकी ब्रेन की और इनकी बुक का नाम है क्रिएटिविटी ये जो ऑस्बर्न है इनकी बुक का नाम क्रिएटिविटी है ठीक है ऑस्बर्न ने इसकी बात की है एलेक्स एफ ऑस्बर्न आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर गोल्डमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दी फॉलोइंग डेनियल गोल्डमैन एक नाम है वो किसके साथ संबंधित है फटाफट से बताइएगा इनकी बुक भी मैंने आपको दिखाई है

रिजल्ट आते ही संवेगात्मक बुद्धि अभी सिर्फ स्पेशल बैच चल रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं आप अपनी भावनाओं को अपने इमोशंस को कितने अवेयर हैं उनके प्रति कैसे रेगुलेट करते हैं कैसे मैनेज करते हैं कहीं भी फैल तो नहीं जाते हैं ठीक है तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डेनियल गोलमैन और इनकी बुक का नाम भी इमोशनल इंटेलिजेंस ही है छोटी सी किताब है मोटी सी छोटी सी ज्यादा मोटी नहीं है फाइंड दी ऑड वन आउट आपको एक विषम ऑप्शन चूज करना है पहला है थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न अधिगम के लिए सीखना थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स देखो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स किसको कहते हैं कोई बताएगा थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स किसको कहते हैं बताएगा कोई कॉमेंट करके बताओ वो पोल इतना हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रहने रहने दे दे देख लो बताओ एक बार संजीत कह रहे हैं आप पे क्रश है मेरा कुछ नहीं रखा इन बातों में है ना देखो फटाफट से फिफ्टींथ का सी एक व्यक्ति नहीं है एक आज है एक दो लोग पुराने लोग होंगे या तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की जो थ्योरी है किसने दी है थॉन्डाइक ने दी है इसी थ्योरी को आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहते हैं जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ना इसी को आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट जब सेम एलिमेंट होंगे किन्हीं भी दो चीजों में तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा ठीक है अगर बाइक और स्कूटर में कुछ एलिमेंट सेम है तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं वो जो बाइक चलाने के बाद अगर आप स्कूटर चला रहे हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा उन आइडेंटिकल एलिमेंट्स की वजह से तो इन चीजों को ध्यान में रखना है ठीक तो ये भी किसकी है लर्निंग की थ्योरी है ये भी लर्निंग की थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन जो स्ट्यूमलेस जनरलाइजेशन है जो कंडीशनिंग में होता है सामान्यकरण की कि अगर किसी काले रंग की चीज से डर लग रहा है तो सारी काले रंगों की चीजों से डर लग रहा है लेकिन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है ये मोटिवेशन की बात करते हैं ये हल्की है ये लर्निंग थियोरी नहीं है

सिंथेसिस और इवेल्यूएशन ठीक है नॉलेज जिसकोमी जिसको 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 में और इवेल्यूएशन नीचे आ जाता है जिसको इवेल्युएटिंग कहेंगे ठीक है तो ये कॉग्निटिव डोमेन के एस्पेक्ट हैं बीएस ब्लूम के ठीक है जी तो लोएस्ट लेवल क्या हुआ नॉलेज हुआ ठीक फिर अंडरस्टैंडिंग फिर एप्लीकेशन फिर एनालिसिस तो ये हमें ध्यान रखना है ये हायर है एक जैसी एक टेक्सोनॉमी है जो हाँ नॉलेज से कहानी शुरू होती है ये लोएस्ट लेवल हुआ हाईएस्ट क्या हुआ एवेल्यूएशन हुआ अगर 1956 के अकॉर्डिंग पूछे अगर 2001 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपका क्रिएटिंग होगा राजीव कुमार क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुपर चैट करके मेरा पी एस टैट क्लियर हो गया पंद्रह दिन पहले तैयारी की थी लेट्स लर्न से थैंक यू सो मच राजीव कुमार जी मुझे बहुत खुशी होती है हम लोग तीन सौ तैतीस मिलियन दैट मीनस तीन सौ करोड़ व्यूज से ज्यादा हम लोग के हो चुके हैं और जिसमें एक पेडागोजी का जो वो मैराथन है उस पे मैंने देखा छप्पन लाख व्यूज हैं मतलब 5.6 मिलियन व्यूज एक पढ़ाई की वीडियो पे जो चार घंटे की वीडियो वो भी टीचिंग एग्जाम्स में अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है इससे पहले शायद ही टीचिंग एग्जाम्स में इतने व्यूज देखे हो किसी ने और ये मेरा मुद्दा भी नहीं रहता लेकिन इस चीज ये नंबर कि मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो चीज़ आप तक पहुंच रही है चाहे आप, आप का का बता रहे हैं, टेट देने जाए तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि आपने देश भर में कोई भी टीचिंग का एग्जाम दिया होगा तो आपने अगर कुछ देखा तो आपको हेल्प मिली क्योंकि चीजें कॉमन है पेड़ में खैर थैंक यू सो मच नॉलेज इस दी राइट आंसर अब ये ज्ञान बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है अ बॉय हु कैन राइड अ साइकिल इज गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक लड़का जो साइकिल चला सकता है

एडवांस्ड है मोटर बाइक साइकिल से है ना ये बात तो बिल्कुल निश्चित है तो इसमें जो आप लोग बी ऑप्शन सही कह भी रहे हैं जो कि सही भी है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है कल भी हमने डिस्कस किया था वर्टिकल ट्रांसफर का मतलब क्या है एक लेवल से दूसरे लेवल जाना फिर नेक्स्ट लेवल फिर नेक्स्ट लेवल तो साइकिल जो है वो निचला स्तर है और मोटर बाइक इससे एडवांस्ड है तो आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं है ना लॉन्गिट्यूडिनल भी आप इसको कह सकते हो तो ये वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है हॉरिजॉन्टल क्या होता है सेम तरह की दो चीजें हॉरिजॉन्टल में क्या हो सकता है आपको स्कूटर चलाना आता था अब आपने मान लीजिए आप एक्टिवा चलाते हैं कल आप जुपेटर चलाने लग गए तो लगभग सेम ही है मतलब स्कूटी में ज्यादा अंतर क्या ही होगा तो वो एक ही जैसी सी चीज है तो हॉरिजॉन्टल उसी सेम पैटर्न पे बाइलेटरल होता है आपकी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से एक हाथ से बैडमिंटन खेल रहे हैं इससे भी खेल लेते हैं ठीक

नौ हजार लोग देख रहे हैं चार हजार लोगों ने लाइक किया चित्रांगना वर्मा कह रही है थैंक यू सो मच मैम मैं तो आपकी फैन हो गई आपका बताया सब कुछ आया सीडीपी में दिल से थैंक यू मैम प्लीज डू मीटअप इन डेली सून थैंक यू अगेन लव यू चित्रांगना हम बिल्कुल मिलेंगे डेली में जैसे ही कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है मीटअप तो हो जाता है इस बार दिसंबर में बस वो हो नहीं पाया उस वजह से और सी के रिजल्ट के बाद मैं करती ही हूँ मीटअप जनरली लेकिन जैसे ही कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आती है पक्का बहुत बढ़िया से मीटअप करेंगे और थैंक यू सो मच आपने आज मतलब अभी बताया आपने ये सब वो लोग हैं जो सुपर चैट करके बता रहे हैं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ कुछ भी कई कह, कई लोगों को लगे खैर देखो एक बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ प्लेट्यू ऑफ लर्निंग लिमिट ऑफ मोटिवेशन नॉन कोऑपरेशन ऑफ स्कूल फिजियोलॉजिकल लिमिट क्या अगर आपकी शारीरिक क्षमता क्रॉस हो गई उससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते आप इतने ज्यादा टूट गए बिल्कुल शारीरिक रूप से तो आप नहीं सीख पाएंगे प्लेट्यू आ जाएगा रुकावट आ जाएगी लिमिट ऑफ नॉलेज आपको उससे ज्यादा नॉलेज ही नहीं है तो वहां पर रुक जाएंगे आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा फिर है लिमिट ऑफ मोटिवेशन आपकी मोटिवेशन ही खत्म हो गई आपका मन ही नहीं करता अब वो काम करने का जो आप किया करते थे ठीक है ये सब रीजन हैं प्लेट्यू के लेकिन बी ऑप्शन इज नॉट द रीजन ऑफ प्लेट्यू यानी पठार का कारण नहीं हो सकता बी ऑप्शन नॉन कोऑपरेशन ऑफ स्कूल विद्यालय के असहयोग से प्लेट्यू नहीं आ सकता

लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय होम यानी अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है यानी जो आपको ट्रेनिंग मिलती है और जो आपको एक्सपीरियंस होता है लाइफ में उसकी वजह से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन है मान लीजिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है इस्पो, इस्पो, स्पोकन इंग्लिश की तो आपको अनुभव कराया गया कुछ आपने क्या किए कुछ बैठ के ग्रुप डिस्कशन किए इंग्लिश में बातें की इंग्लिश में किताबें पढ़ी मूवीज देखी और ट्रेनिंग दी जा रही है आपको कि ऐसे खड़े हो ऐसे बोलो तो इससे जो आपके व्यवहार में चेंज आएगा उसको हम लर्निंग कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है है तो ये जो बात है, किसने कही होगी ये पूछा है हमसे तो कोई तो होगा ही जिसने कही होगी ऐसी जो परिभाषाएं हैं वो क्रो एं, क्रो एंड ज्यादा देते हैं गेट्स एंड अदर्स यहाँ पे सही उत्तर है जो कि आप लोग 63 परसेंट आंसर सही दे भी रहे हैं ठीक है ठीक है गेट्स एंड अदर्स इज द राइट ऑप्शन अब ये तुक्के की बात है ये हो सकता है आपका सही लग जाए ना लगे

कुछ लोग होते हैं जो कम बोलते हैं अपने तक ही अंतर्मुखी होते हैं कुछ होते हैं एक्स्ट्रोवर्ड जिनको लोगों में घुलना मिलना यारी दोस्ती बहुत पसंद होती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से प्राइवेट होते हैं वो खुद से मतलब ज्यादा रखते हैं लिमिटेड लोगों के साथ बैठते हैं बहुत ज्यादा लंबे चौड़ी दोस्ती के उनकी लिस्ट नहीं होती अकेले टाइम बिताना ज्यादा पसंद करते हैं उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं जो बाहर जाना पसंद करेंगे ज्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद करेंगे उनको एक्सट्रोवर्ट कहेंगे ये किसने दिया है टाइप तो ये कार्ल गुस्ताव युंग ने दिया है सी जी युंग, जुंग इनकी स्पेलिंग है बट इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो युंग है और ये फ्राॅड के ही शिष्य थे कल हम बात कर रहे थे किसकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात भी काल गुस्ताव युंग ही करते हैं ठीक है जी तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हेयर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक एल्फ्रेड एडलर हैं जिन्होंने इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोटी कॉम्प्लेक्स की बात की है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए हालांकि ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ थियोरी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इन चार ऑप्शन में से कौन सा है तो पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक एलिमेंट्स आर्थिक तत्व सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स फिजिकल एलिमेंट्स या हेरिडेटरी एलिमेंट्स देखो सबसे ज्यादा जो सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा वो समाज का ही रिलेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर होगा कोई तो सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स कि उसको किस तरह के समाज में या ग्रुप्स में बैठने का मौका मिलता है कुछ खेलने का कुछ बातें करने का मौका दिया जाता है नहीं दिया जाता है क्योंकि सोशल डेवलपमेंट लोगों से संबंधित होगा बाकी जो इकोनॉमिक और ये सब है ये उतने मैटर यहाँ नहीं करेंगे सामाजिक विकास में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं बेशक वो गरीब हों तो इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि इकोनॉमिक एलिमेंट ज्यादा प्रभावित करेंगे ट्वेंटी का बी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास का प्राइमरी या मुख्य प्राथमिक नियम क्या हो सकता है या शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ कौन सा एक नियम सही है इन चार ऑप्शन में फटाफट से बताइएगा पहला ऑप्शन है कितना मानसिक विकास लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट ठीक है यानी मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात तो ये तो बात ही दूसरी हो गई लॉ ऑफ इरेग्युलर डेवलपमेंट यानी इेगुलर डेवलपमेंट कि कभी ज्यादा कभी कम मे बी लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ या लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट तो ये मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित हो गया या सोशल डेवलपमेंट से संबंधित हो गया ठीक तो है रेगुलर तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है कि भाई कभी कम कभी ज्यादा होगा लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट से डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है एक स्टेज ऐसी आती है जब बहुत तेजी से बच्चे का शारीरिक जो वृद्धि है बहुत तेजी से होती है स्पेशली इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में इतनी बात हमें क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द्योरी ऑफ डेवलपमेंट विकास की कौन कौनसी थ्योरी नहीं है अभी एक क्वेश्चन आया था कि लर्निंग की कौन कौनसीप्ट थ्योरी नहीं है अब पूछा जा रहा है डेवलपमेंट की थियोरी कौन सी नहीं है तो पहला ऑप्शन है थियोरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ थ्योरी ऑफ इंटररिलेशन या थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न 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 हमें पता है theory of uniform pattern, जो pattern है ऑफ यूनिफॉर्म जो वो पूरी दुनिया में सेम होता है डेवलपमेंट का चाहे वो अमेरिका हो इंडिया हो अफ्रीका हो इंटर रिलेशन होता है सारे डेवलपमेंट के प्रकार आपस में रिलेटेड होते हैं ये बात भी सही है पीसीएसई याद कर लीजिए फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल चारों आपस में रिलेटेड है इंटर रिलेशन है कॉन्टिन्यूस ग्रोथ यानी लगातार जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो चलता रहता है निरंतर विकास का सिद्धांत ये ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ है बट बात वही है क्योंकि हम उधर देख सकते हैं पेपर में भी ऐसे ही आया था ऑप्शन इज दी राइट आंसर क्योंकि ये डेवलपमेंट की थियोरी ना होकर लर्निंग की थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स यानी कंडीशनिंग की जो थियोरी है जिसकी बात पेवलप करते हैं वो किस किसकी है लर्निंग की थियोरी है बाकी तीनों डेवलपमेंट की थियरी है लर्निंग क्या है जो एफर्ट से प्रैक्टिस से इन सब से होगी डेवलपमेंट में सब कुछ इंक्लूडेड है ठीक तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पर डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय होम यानी विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं आती हैं और नवीन योग्यताएं डेवलप होती है जब आप डेवलप करते हैं एज अ पर्सन और एंटिटी फटाफट से आंसर कीजिए बी ऑप्शन यानी हरलॉक बिल्कुल तो हरलॉक क्या है एक महिला है कई लोग तो इस पे मीम्स भी बनाते हैं कि आधे लोगों की जिंदगी निकल जाती है सी भी पढ़ते पढ़ते और उनको ये नहीं पता लगता कि हर लोग महिला हैं कि पुरुष हैं हालांकि मैटर नहीं करना चाहिए है ना हरलॉग की एक बुक आती है ग्रीन कलर की मोटी सी चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत पुरानी किताब है और ये चाइल्ड डेवलपमेंट पे काफी बात करती है हरलॉग तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे

बिल्कुल आप right जिन्होंने ये इंस्टिंक्ट की थियरी दी है मोटिवेशन की ठीक है किसका है भी को मिस कर रहे हैं, वो टिपिकल इमोजी ऐसे दिल टूटने वाले नहीं लगते हंसने वाले हद से हद लग जाते हैं तो उसमें उनको याद आती रहती है उनका अच्छी बात है डिस्ट्रेक्शन नहीं रहता इमोजी देख देख के डिस्ट्रेक्शन होता है अटेंशन इज दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनोदर अब ये भी एक तरह से बिल्कुल याद रखने वाला टॉपिक हो गया कि याद रहे तो रहे 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 तो तो ना 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 पोल दे दिया 56 परसेंट हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन क्वेश्चन है ट्वेंटी एट देखिए विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग देखो लॉ ऑफ लर्निंग पे एक क्वेश्चन आना ही आना है थॉन्डाइक पे एक क्वेश्चन आई आना, आना मतलब दो क्वेश्चन आएंगे थॉन्डाइक से घुमा फिरा के ये कह सकते हैं एक बार सुपर सुपरचे दिखा दो विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग प्राइमरी लॉज कितने हैं हमें पता है सिर्फ तीन ही मुख्य नियम है बाकी पांच जो है सेकेंडरी है रेडीनेस भी प्राइमरी है एक्सरसाइज भी प्राइमरी है इफेक्ट भी प्राइमरी है लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स सेकेंडरी लॉज में आता है तो यही सही उत्तर हुआ अभिषेक क्या कह रहे हैं एमपी टेट की क्लासेस करियर पर कैंसिल क्यों हो गई मैम प्लीज पैसे भी रिफंड हो गए आ, प्लीज प्लीज मैम का कुछ कराइए मैं अभिषेक आप इस केस में पढ़ 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 इस में पढ़ 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 लीजिए 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 लेट्स लर्न से वहां स्पेशल और मैं एक दो वीडियो बनाती हूँ एमपी टेट के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है मैं बनाती हूँ इवन मैंने प्रीवियस भी कुछ प्रैक्टिस कराई हुई है वो कैंसिल होने का कुछ रीजन है टीम अवेलेबल नहीं थी पता नहीं और भी कुछ चीजें हैं सर्वर का इशू है दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से जो ये करंट दो बैच आए थे उनको अभी रिफंड भी मिल गया होगा आपको वो सेम डे ही कर दिया था और इसके अलावा वाला बैच भी नेक्स्ट मंथ आएगा ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस हैं तो शायद वो एक रीजन रहा होगा बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो सेकेंडरी नियम है बाकी मैं एक वीडियो बना दूंगी एमपीटेट इम्पीडेटली पांच मार्च को है ना एग्जाम और इसमें टाइम भी कम था आई थिंक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा एस जलोटा ने हिंदी में किस टेस्ट को प्रोपाउंड किया बारह से सोलह वर्ष के बच्चों के लिए इंटेलिजेंस का एक टेस्ट था इसको जीएमए बोलते हैं मैंने आपको हिंट भी दे दिया है जीएमए और जो भी जिनका भी नाम था अगर आप बहुत सीरियस में पढ़ने को लेकर के तो बहुत ही मजे आ रहे हैं आजकल पेडोलॉजी स्पेशल में वहां जुड़ जाएगी कोई बात नहीं एमपीटेट की फीस वापस आ गई है उसको वहां लगा दीजिए देखिए एक बार अगर हम बात करते हैं किसकी बारह से सोलह वर्ष के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने हिंदी में जो टेस्ट प्रोपाउंड किया उसको जीएमए बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट ठीक है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण इसमें कई सारे परीक्षण इंक्लूडेड थे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है थर्टीएथ हु प्रोपाउंडेड टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया टू फैक्टर वन फैक्टर आएगा या यूनी फैक्टर आएगा तो एल्फ्रेड बिने टू फैक्टर आएगा तो मैं अभी बताऊंगी ठीक है ट्रायर्किक आएगा तो स्टर्नबर्ग मल्टीपल इंटेलिजेंस आएगा तो गार्डनर मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस आएगा तो थॉन ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है हाइरारिकल मॉडल आएगा तो वर्नन इंटेलिजेंस में कितने सारे लोग हैं ठीक तो टू फैक्टर टू फैक्टर कौन से कौन से हैं स्पेसिफिक फैक्टर जिसको विशिष्ट कारक बोलते हैं और दूसरा है जनरल फैक्टर जो सामान्य बुद्धि कारक है जो आपकी हर एक एक्टिविटी में इंक्लूडेड होगा स्पेसिफिक आपके किसी एक स्पेशल एबिलिटी में तो आंसर क्या हुआ स्पीयरमैन चार्ल्स स्पीयरमैन 1905 में इन्होंने इस पर काम किया था ठीक है जी जनरल और स्पेसिफिक विशिष्ट एवं सामान्य बुद्धि तत्व इतनी बात क्लियर है टू फैक्टर थियरी इनकी दी है दी हुई है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट पे देखिएगा एक बार इकतीसवा क्वेश्चन देखिए वेयर इज ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड यानी ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश यूपी कहाँ सिचुएटेड है देखिए एक बार जवाब दीजिए फटाफट से आसान सा सवाल है कोई बहुत भारी सवाल हम इसको कह नहीं सकते क्या हुआ राविता पूछ रहे हैं कि टेट के मार्क्स कहीं जुड़ सकते हैं इन फ्यूचर नहीं जुड़ेंगे अभी तक तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कहीं नहीं जुड़ते और होना भी नहीं चाहिए वो कायदे में ठीक बात भी नहीं होगी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की तो आंसर आप लोग पोल में क्या दे रहे हैं यही दे रहे हैं इलाहाबाद ठीक है जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जान रहे हैं ठीक है वहां पर है आपका ये ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी क्वेश्चन थर्टी सेकेंड देखिए दो रिलेशन विच स्किनर हैज विद रेट्स जो स्किनर का संबंध चूहों से है वही थॉन्डाइक का संबंध बिल्लियों से है कैट से है और सेम रिलेशन कोहलर का किसके साथ होगा तो मैंने अभी आपको उत्तर दिया था एप्स पे प्रयोग किया था एक आइलैंड पर जाके जर्मनी के किसने वर्ल्ड बैंक कोहलर ने इंसाइटफुल लर्निंग इन्होंने दी है आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं ठीक है आंसर क्या होगा चिमपेजी और जो सबसे इंटेलिजेंट चिमपेन्जी था उसका नाम था सुल्तान रे सुल्तान नहीं है ये आपकी मूवी वाला दिस इज डिफरेंट सुल्तान ठीक है और आहा मूमेंट किससे संबंधित है तो इसी थियोरी से संबंधित है आहा मूवमेंट सडन सोल्यूशनका मूवमेंट ये सारे वर्ड आपके इन लर्निंग से ही संबंधित हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में टिकनी चाहिए ठीक है बिल्कुल बैठ जानी चाहिए बार बार रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है थर्टी थ्री लर्निंग प्लेट्यू इज प्लेट्यू पे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए आपको हर पेपर में प्लेट्यू पे क्वेश्चन हर पेपर में प्लेट्यू पे क्वेश्चन पोल अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग को प्लेट्यू इन लर्निंग कहेंगे पठार डिफेक्ट इन लर्निंग को डिफेक्ट इन डिफेक्ट इन लर्निंग को कहेंगे प्लेट्यू या फिर सेसेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बताइए एक बार hmm. देखो इसको ऑब्स्ट्रक्शन कहना थोड़ा सा गलत होगा अवरोध हम्म अरेस्टेड ग्रोथ शुड बी द राइट आंसर हुँ हुँ हुँ, सब अलग अलग आंसर इसमें कर रहे हैं अच्छा इसको ना ये दोनों ही सही लग रहे हैं क्योंकि ये मुझे जितना याद आ रहा है मैं हमने पहले कभी डिस्कस किया होगा ऑबस्ट्रक्शन के अवरोध अवरोध कहना पता नहीं कितना सही होगा बट ए ऑप्शन ए डी से बेहतर है ए पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं तो अवरोध है ही तभी फ्लैट हो जाता है कर्व आपका लेकिन अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग कहना ज्यादा बेहतर होगा कि भाई ग्रोथ होने रही है नो no इंप्रूवमेंट वाली सिचुएशन है जरूर नहीं है बीच में कोई ऑब्सेक्शन ही आया हो है ना नो no इंप्रूवमेंट वाली सिचुएशन है तो हम ए के साथ जा रहे हैं अभी अगर इसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो मैं एक बार इसको रीचेक करके आपका जो पीडीएफ शेयर करूंगी उसमें आंसर मार्क फिर दूसरा कर दूंगी अगर ऐसा होगा या दोनों कर दूंगी अगर दोनों सही होंगे तो अभी हम ए के साथ जा रहे हैं यहां पे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर पर थर्टी -फोर है द द राइटर ऑफ बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म द बिहेवियर ऑफ यानी जीवों का व्यवहार ये किसने लिखी है पुस्तक अभी एक बुक और आई थी हम कल परसों पढ़ रहे थे जब कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट एम गैने की बुक थी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये स्किनर की बुक है ठीक है जिसमें री की बात करते हैं और भी सत्तर तरीके की बातें

सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण उनके सामने आप सही व्यवहार को प्रस्तुत करें जो आप चाहते हैं कि वो जैसा बिहेव करें जो महात्मा गांधी महात्मा मा, मा, गांधी जी ने कहा है ना बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड कि वो परिवर्तन बनके दिखाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं तो राइट व्यवहार को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा जैसी आप ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं उस व्यवहार को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा ठीक है इतनी बात क्लियर है अगर आप कह रहे हैं कि सच बोले तो आपको सच बोल के दिखाना पड़ेगा तो नजदीक होगा उसको अचीव करने की क्षमता बढ़ेगी ये वो इसमें इस तरह की बातें हैं हल ने कहा है कैंडलर ने कहा है कोहलर ने कहा है या ब्रिक ने कहा है थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एक घंटे समय शायद हमें हो गया होगा और अभी एक घंटा तो नहीं हुआ ना हम्म बिल्कुल फिफ्टी वन परसेंट हल राइट आंसर

आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी बी भाई नॉट लिखा है ऊपर पढ़ लो ना एक बार नॉट लिखा है क्यों नहीं पढ़ रहे हो नॉट 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 वी कांट क्रेडिट डेविड डेविड ह्यूम विद माइक्रो टीचिंग उल्टा कर दिया ना आंसर नॉट लिखा हुआ था तो डेविड ह्यूम इज दी ओनली राइट आंसर ऐसे आंख बंद करके उत्तर करोगे तो मतलब आंसर दोगे तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग के लेवल पे भी हर एक सेट में क्वेश्चन है अगर आप पुराना पेपर उठा करके देखेंगे ये वो क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं इसको हमने एम यू आर से याद किया है मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ठीक है इतनी बात क्लियर है कोई दिक्कत है ठीक मेमरी लेवल की बात हर्बर्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात मॉरिसन कर रहे हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हंट कर रहे हैं इन तीनों का मैंने आपको नाम भी बता दिया है अब आंसर क्या होगा भाई मेमरी लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल है डिस्टेंस लेवल इज नॉट द राइट ऑप्शन

वहां आप देखते हैं ना तो फेसबुक चलता है ना कुछ और तो वहां डेमोक्रेसी है नहीं ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है तो बात हो रही है कौन सा एक मैथड डेमोक्रेटिक मैथड नहीं होगा फटाफट से आंसर कीजिएगा फिर ही हम बढ़ेंगे आगे फिफ्टी लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर चलो मान लेते हैं ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर है ना चले आगे हम्म चलिए क्या 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 कर रहे हो भाई क्वेश्चन है मेरा आज का एग्जाम था तीन दिन में आपके बस वीडियोस वीडियोस देखी थी प्लस क्वेश्चंस कॉमन आ गए अच्छा तीन से वेरी गुड चलिए खैर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की ये भी डेमोक्रेटिक है ग्रुप में बच्चे सीखते हैं भाई वो कॉमेंट्स बंद हो गए तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करते हैं तो वो मेंटल सेट क्या है मेंटल सेट है आपने जो भी फंडे बना लिए हैं उस क्वेश्चन में मेंटल सेट भी बात सही थी लेकिन ओवरऑल देखें तो ह्यूरिस्टिक्स सही था ठीक है ह्यूरिस्टिक्स में आपके जो फंडे हैं और जो आप नए एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वो भी आ जाएंगे ठीक और एल्गोरिथम क्या होते हैं जो सेट पैटर्न होते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इन तीनों में ये डिफरेंस है ठीक ब्रेन स्टॉमिक तो हमें पता ही है इसमें भी बच्चों को मौका मिलेगा बैठ करके लोकतांत्रिक वे में सोचने का लेकिन लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर ही एक्टिव रहता है इसलिए इसको डेमोक्रेटिक ना कहकर टीचर सेंटर्ड मेथड कहते हैं बच्चा इसमें

पेपर में नंबर आते हैं है ना मैं अपनी मैट ठीक कर लू कोई कह रहा बाय बाय मिस्टेक पे क्लिक हो गया कोई बात नहीं ठीक कर लो मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है और पूरी इच्छा से भी हुआ हो तब भी कोई बात नहीं है ये तो हमारा धर्म है ऐसा कहना कि लाइक करो जिसका जो मन करे वो कर सकता है देखिये विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सा एक कौन सी विशेषता नहीं है समावेशी शिक्षा की जो इंक्लूड ना करे सेग्रीगेट करे वही विशेषता नहीं है इट एनहेंसेज लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड देखो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है स्पेशल नीड वाले बच्चे हों कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना जनरल और स्पेसिफिक नीड दोनों तरह के बच्चे होंगे यहाँ पे यहाँ पे एक गिफ्टेड बच्चा भी पढ़ेगा यहाँ पे स्पेशल नीड वाला बच्चा भी पढ़ेगा एक स्लो बच्चा भी पढ़ेगा एक बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चा भी पढ़ेगा तो ए ऑप्शन ही सही है क्यों क्योंकि सिर्फ स्पेशल नीड के लिए नहीं है सबके लिए है ये ठीक आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर क्वेश्चन नंबर 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम ये जो एफ आई ए सी एस है इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्लेंडर के इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम पे ठीक है तो इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें कौन सी एक चीज नहीं है फिलेंडर के इंटरेक्शन मॉडल में ये क्लासरूम टीचिंग के लिए स्टेप्स दिए हैं इसमें जो मैंने आपको बताया था टू टीचर टॉक होती है फिर उसके बाद स्टूडेंट टॉक uh, होगी और टेंथ तो पे साइलेंस होगा ठीक है तो यहाँ पे टीचर टॉक कब होगी ये पूछ लेता है पेपर में याद रखिएगा वन फर्स्ट स्टेप से लेकर के सातवें स्टेप तक टीचर टॉक होती है ये जरूरी है हमें ध्यान में रखना फिर लास्ट पॉइंट में टेंथ में साइलेंस और एट्थ और नाइन्थ में स्टूडेंट टॉक तो स्टूडेंट टॉक है टीचर टॉक है साइलेंस है 10th में लेकिन गार्जियन टॉक नहीं है ये शायद आंसर की में गलत दे दिया था या आपको ज्यादातर जगह पे इसमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट टॉक मिल जाएगा या साइलेंस मिल जाएगा जो कि गलत होगा आंसर इसका सही उत्तर सिर्फ गार्जियन टॉक है क्योंकि ये आपको अभी मैं फ्लेंडर्स इंटरेक्शन दिखा देती हूँ फ्लैंडर्स एनालिसिस दिखा देती हूँ वहां आपको मिल जाएगा कि गार्जियन टॉक बच्चों के पेरेंट्स की टॉक का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता देखो ये टेन स्टेप्स है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का जिसमें आप देख रहे हैं टीचर टॉक कहां पे है वन टू सेवन वन टू सेवन टीचर टॉक है प्यूपिल टॉक कहां पे है? जो बच्चे बोलेंगे वो है एट और नाइन में और टेंथ में साइलेंस है इफ यू कैन सी एक मिनट में साइलेंस थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूं ठीक ये देखिए देख पा रहे हो कि नहीं ये देखो यहां पे टीचर टॉक एक से सात तक फिर उसके बाद प्यूपिल टॉक आठ और नौ में और साइलेंस है दस में तो यहाँ गार्जियन टॉक का तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा कि संभाषण में स्पीच में, में मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट अर्थ की सबसे छोटी इकाई तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्या होगी मोरफीम होगी ठीक है अगर साउंड की सबसे छोटी पूछता, जैसे इससे ज़्यादा और नहीं तोड़ सकते तो ये sound की सबसे छोटी हो जाती। होता है, जैसे हम सहायता लेकर के जो बोलते हैं आ, में, जैसे टर, इसमें दो हैं, हैं ठीक words तो हम जानते हैं, इनका अपने आप में मीनिंग होता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज मॉर्फीम और साउंड पूछेगा तो फोनिम आगे बढ़ेंगे 43 पे. हम करके सीखते हैं ये किसने कहा है ना लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट कौन करते हैं जॉन डूई खूब करते हैं लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसको जो क्रेडिट दिया गया पेपर में वो किसके लिए दिया गया सिम्पसन को दिया गया कि भाई सिंपसन ने ये डिफाइन किया है अपने शब्दों में लिखा है है ना इसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत हो सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग को हम एक तरह से जॉन डुई के साथ भी जोड़ते हैं बट जॉन डुई ऑप्शन में ही नहीं थे यहाँ और इन्होंने इसको स्टेट किया होगा इसको प्रॉपर क्या दिया होगा डिफाइन किया होगा जैसे हम थॉर्डक की बात करते हैं ना स्ट्यूमलेस रिस्पॉन्स तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं लेकिन थॉर्डेक ने उसको प्रॉपर थियराइज किया है ठीक है तो सिंपन इज द राइट पर्सन ओवर राइट ऑप्शन इज ओवर दर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग एक तो मुझे नहीं पता चलता जिस टाइम मैं फ्लो में होती हूँ मैं बोल क्या रही हूं हालांकि शब्दों में कंट्रोल रहता है बट थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग क्योंकि अभी ये फ्लो बना हुआ है कि वन टू सिक्सटी क्वेश्चन करने हैं फटाफट से ठीक क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा एक लेवल नहीं है टीचिंग का अगेन यही क्वेश्चन आ गया बस यहाँ पे क्या हुआ यहाँ डिस्टेंस लिखा था इस बार डेस्क्रिप्टिव लिख दिया हमें पता है जब तीन ही लेवल है एम यू आर जिसमें मेमरी लेवल हर्बर्ट अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन रिफ्लेक्टिव हंट ठीक तो रिफ्लेक्टिव है मेमरी है अंडरस्टैंडिंग हाइएस्ट लेवल कौन सा है रिफ्लेक्टिव है लोएस्ट लेवल कौन सा है मेमरी है ठीक अंडरस्टैंडिंग बीच में आ गया तो डिस्क्रिप्टिव कोई भी लेवल नहीं है तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 पे कौन सा है नंबर द मेन ऑपरेशन इन इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग शिक्षा अंत क्रिया में इंटरक्टिव फेज कौन सा होता है जहां पे टीचर स्टूडेंट सब बात कर रहे हैं डिस्कशन चल रहा है तो कौन सी चीजें यहाँ पे आएंगी मेन ऑपरेशन में, में? फटाफट से बताइए निदान यानी डायग्नोस होगा पता लगाया जाएगा बच्चे में कहा दिक्कत आ रही है परसेप्शन क्रिएट होगा एक्शन एंड रिएक्शन होगा सारी बातें सही हैं कोई भी बात नेगेटिव नहीं कही जा सकती तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर आ चाइल्ड स्टार्ट्स फियरिंग आफ्टर सीइंग ब्लैक काऊ एक बच्चा डरना शुरू कर देता है काली गाय को देख करके फिर क्या होता है ब्लैक डॉग अब वो काले कुत्ते को देख के भी डरना शुरू कर देता है है ना ब्लैक काऊ को देख के पहले डर शुरू हुआ फिर काले कुत्ते को देख के डर शुरू हुआ अब सारे ही ब्लैक ऑब्जेक्ट्स से मान लो अगर वो ब्लैक पेन भी देखेगा ब्लैक जैकेट भी देखेगा तो उससे भी डर जाएगा ठीक तो ये जो कंडीशनिंग का प्रकार है ये एक प्रकार की कंडीशनिंग है एक प्रकार की आदत है ये ब्रेन को कंडीशनिंग करा दिया गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जैसे हम वॉटसन की बात करते हैं वॉटसन कहते हैं भाई आप मुझे आधा दर्जन दूध पीते बच्चे दे दो मैं उनको जो चाहे बना दूंगा चो डॉक्टर सिपाही साइंटिस्ट जो आप कहें कैसे कंडीशनिंग करके है ना आदत डलवा करके तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये किस प्रकार की कंडीशनिंग है तो हम अगर बात करेंगे किस प्रकार की कंडीशनिंग है तो कह सकते हैं रिस्पॉन्स कंडीशनिंग है स्टीमलेस जनरलाइजेशन है रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन है भाई ये क्या है स्टीमलेस जनरलाइजेशन है उसने काली जो गाय थी उसको जनरलाइज कर लिया काले रंग को जनरलाइज कर लिया स्टीमलस क्या है यहां पे ब्लैक और ब्लैक को कर लिया जनरलाइज जनरलाइज ठीक है सामान्यकरण कर लिया उसने सारी चीजों में जहां पे भी ब्लैक दिखता है वो उद्दीपक को उसने जनरलाइज कर लिया तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 47 आउट ऑफ फॉलोइंग विच शुड नॉट बी कैप्ट इन माइंड वाइल अ टीचिंग मैथड यानी एक टीचिंग मैथड को सिलेक्ट करते समय किस चीज का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए जनरली हम कहते हैं कि किस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए पूछा है किसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए यानी नॉट जवाब दीजिए नॉट को ध्यान में रखिएगा शुड नॉट बी कैप्ट इन माइंड ये लिखा है बताइए फटाफट से ए ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग बी कह रहे हैं सिक्सटी थ्री परसेंट जो कि सही है गर्म पानी पीते रहो सर्दी बहुत है अब गले का भी ध्यान रहेगा पेरेंटल बैकग्राउंड अभिभावक पृष्ठभूमि का ध्यान रखने की क्या जरूरत है? है ना भाई आप क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं एक मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस मैथड से पढ़ाएं तो किस मैथड से पढ़ाने के लिए इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों की नीड उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखोगे उसके हिसाब से मैथड चूज करोगे मेंटल लेवल ध्यान में रखोगे कि भाई किस लेवल का बच्चा है किस एज का बच्चा है क्या उसको सिखाया जाना चाहिए स्पेसिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट भाई किस प्रकार का नेचर है मैथ्स है तो उस तरह से उसके फंडों से बढ़ाओगे लेकिन पेरेंटल बैकग्राउंड टीचिंग मैथड सेलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के बच्चा अंबानी कि परिवार से आ रहा है वो मैटर नहीं करेगा की तरह देखा जाएगा कॉमेंट्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन की विशेषता नहीं है बचपन की विशेषता नहीं है चाइल्डहुड की विशेषता क्या नहीं है फटाफट से बताइएगा चाइल्डहुड किसको कह रहे हैं हम तीन से बारह वर्ष जिसमें तीन से छह वर्ष अर्ली चाइल्डहुड और छह से बारह लेट चाइल्डहुड ठीक है इतनी बात क्लियर है बस इस एरो पे क्लिक कर एरोना हाँ हाँ एरो आपके पोल वाले भैया बहुत एक्टिव हैं है हाँ, आज पोल वाले भैया ने पूरा कंसंट्रेशन पूरी अटेंशन अपनी यहीं लगा के रखी हुई है भावना आज फोन भी घर छोड़ के आए पोल वाले भैया क्योंकि कल मैंने कहा था कि फोन रख जा भाई तेरी उम्र नहीं है फोन चलाने की तो पोल वाले भैया घर पे ही फोन रखा है ना तो खैर नहीं वो इसलिए रख के आए कि डिस्ट्रेक्शन होता है फोन से जो की बिल्कुल सही बात है तो पूरा ध्यान उसका आपके पोल पे है आज भयंकर रूप से एक्टिव है देखो एक बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफ चाइल्डहुड और ये कमेंट उसने रोक के पढ़वाया है मुझे अपनी तारीफ के लिए देखो एक बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अटरिस्टिकाइल्ड ऑफ चाइल्डहुड चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बचपन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अगर हम बात करें भाई सामूहिकता की प्रबलता यानी एक्सट्रीम ग्रेगेरियसनेस ठीक है उसको मजा आएगा लोगों के साथ रहेगा लैक ऑफ क्यूरियोसिटी देखो कभी भी आपने सुना है कि बच्चा है और क्यूरियोसिटी नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछता जग्ञा जिज्ञासा की ही कमी है कुछ जानना ही नहीं चाहता तो वो बच्चा थोड़ी क्या लगेगा बचपन का थोड़ी ये एक विशेषता है कि भाई क्यूरियोसिटी ही नहीं है कुछ नया सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है बच्चा तो जैसे ही चीजों को देखता है वो तो क्वेश्चन मार्क लगाएगा अच्छा ये, ये क्या है ये क्या है ये कैसे होता है वो क्या है हर चीज में उसकी जिज्ञासा है आपके लिए हो सकता है कोई चीज बोरिंग हो गई है उसकी हर चीज में जिज्ञासा है क्यूरियोसिटी है अगर क्यूरियोसिटी ही, ही कमी है तो ये कोई बचपन की विशेषता नहीं हुई दैट मीन्स आपने बच्चे को बचपन में बूढ़ा कर दिया है ना मजाक कर रही हूँ खैर तो या तो आपने बहुत ज्यादा डांट लगा दी कि कुछ पूछा ही मत करो अभिवृद्धि में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी इन ग्रोथ पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एंड गेम्स ये बात सही है कि भाई अभिवृद्धि में स्थिरता के स्थिरता आ गई ग्रोथ में तो वो स्टेज के हिसाब से आएगी पार्टिसिपेशन इन ग्रुप्स एंड गेम्स कह सकते हैं लेकिन अगर पूछेगा कि बिल्कुल भी विशेषता नहीं है बाकी सही हो या गलत हो लेकिन ये विशेषता कभी भी बचपन की नहीं होती कि क्यूरियोसिटी की कमी हो ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे

ठीक है जिसमें प्रेपरेशन पहला स्टेप है तैयारी फिर इंक्यूबेशन जिसमें आपके दिमाग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान नहीं देते मेन चीजें पड़ी हुई होती हैं फिर इल्यूमिनेशन अचानक से बत्ती चलेगी फिर वेरीफाई करेंगे उस आइडिया को जिसको इवेल्यूशन भी कह सकते हैं तो इनक्यूबेशन इज देयर प्रेपरेशन इज देयर इल्यूमिनेशन इज देयर बट मोटिवेशन इज नॉट द राइट ऑप्शन ठीक है ये क्रिएटिव प्रोसेस से संबंधित नहीं है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पे दस क्वेश्चन और बचे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण कौन सा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला स्टेप कौन सा है बताइए एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला स्टेप कौन सा है फिजिकल डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट है मॉरल डेवलपमेंट है मेंटल डेवलपमेंट है फिजिकल डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप सोशल होगा क्या मॉरल होगा मेंटल होगा नहीं भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला स्टेप शारीरिक विकास शरीर की वृद्धि

तो स्किनर बॉक्स किसके लिए इस्तेमाल होगा स्किनर की लर्निंग की जो टाइप है या उनका नाम है वो क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जा सकता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन जिसको नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं या आर एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स पहले आता है स्टिमुलस बाद में आता है जब चूहा उस लिवर को प्रेस करता था तभी तो स्टिमुलस सामने आता था जबकि बाकी टाइप की जो कंडीशनिंग है पैलोप वाली उसमें पहले स्टिमुलस आएगा पहले खाना आएगा फिर रिस्पॉन्ड करेगा कुत्ता उसके मुंह से लार आएगी ठीक है यहां पे उल्टा होता है आर एस टाइप है फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बैटरी का मतलब होता है मल्टीपल टेस्ट होंगे एक टेस्ट के अंदर। भाटिया बै, आ, बैटरी टेस्ट जो है उसमें ये इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाता है कितने सब टेस्ट हैं भाटिया बैटरी टेस्ट के अंदर पांच आठ चार सात कितने बताइए एक बार बिल्कुल सही उत्तर फिफ्टी सिक्स परसेंट लोग कह रहे हैं फाइव सब टेस्ट होते हैं उप परीक्षण होंगे भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में ठीक है ये इंडियन कॉन्टेक्ट में इन्होंने बनाया था ये फाइव सब टेस्ट के नाम है एक बार नजर मार के चले जाना क्या पता आ जाए है ना कोज ब्लॉक डिजाइन एक कोज ब्लॉक डिजाइन एलेक्सेंडर पासा लॉन्ग पैटर्न टेस्ट इमीडिएट मेमरी और पिक्चर कंस्ट्रक्शन ठीक है अच्छा इससे मुझे याद आया कल हमने एक वो क्वेश्चन किया था ना सिक्सटीन पी एफ वाला और बाकी के तीन प्रोजेक्टिव टेक्निक थे तो जिस ढंग से मैं उसको देख रही थी वो क्वेश्चन उस तरह से पूछा नहीं गया था तो उसका आंसर सिक्सटीन पी एफ ही सही होगा मतलब पेपर वाले वो सिक्स पी एफ ही मानेंगे हालांकि मैन और उसमें थोड़ा सा बहुत ही क्लोज था वो लेकिन सिक्सटीन पी को ही आप उसमें कंसिडर कीजिएगा मैंने वो फाइनल जो पीडीएफ शेयर की थी उसमें वो करेक्ट भी कर दिया था तो कल को आप पेपर में अगर गलत करके आए तो मेरी कोई भी लाइबिलिटी बचेगी नहीं मैंने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ अगर थोड़ा भी इधर उधर कंफ्यूजन या कुछ भी होता है तो मैं या तो पिन कॉमेंट में डालती हूँ या पी में शेयर करती हूँ ठीक है मतलब मुझे दुख होगा अगर आपका एक नंबर भी जाए तो वो बात अलग है कई बार आंसर की, -की वजह से भी जाता है और भी रीजन की वजह से जाता है क्वेश्चन फिफ्टी फोर देखिए हु वॉज दी फाउंडर ऑफ किंडर मेथड किंडर गार्टन मैथड या फिर किंडरगार्टन की जगह क्या दे दे प्लेवे मैथड दे दे आपको खेल विधि दे दे ठीक है या बच्चों को फ्लार की तरह किस मेथड में देखा जाता है तो आपका आंसर होगा फ्रॉबेल किंडर गार्डन का मतलब ही है किंडर मतलब बच्चा किड और गार्डन मतलब गार्डन तो बच्चों का बगीचा किंडर कहलाया जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले ये जो स्कूल्स खोले गए थे फ्रेडरिक फ्रॉबेल के द्वारा जर्मनी में इनकी माता नहीं थी तो ये बगीचे में रहकर सीखते थे बहुत सारी इनकी अपनी स्टोरी है प्लेवे मेथड का जो नाम दिया है वो कोल्डवेल कुक ने दिया बट जो इनिशियली प्लेवे मेथड के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा कुछ आपको हेनरी कोल्डवेल कुक ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा फ्रॉबेल ही होंगे तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डाल्टन ने कौन सा मेथड दिया बताओ कि जरा फटाफट से बताओ डाल्टन डाल्टन है कोई डाल्टन कोई व्यक्ति नहीं है है ना डाल्टन योजना है डेल्टन मेथड है जिसको दिया है किसने आ, इनका नाम था हेनरी पार्क हर्स्ट पार्क ने डेल्टन मेथड को दिया कल मैं वन लाइनर में करा दूंगी ये सारे मेथड के जितने भी क्वेश्चन है ना तो चलो बहुत अच्छा है जिन लोगों को भी लिख रहे हैं मुझे अच्छा लगा ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे प्रोपाउंडर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग कलेक्टिव काउंसलिंग यानी देखो प्ले वे में अगर ऑप्शन में हैनरी कोल्डवेल कोक है तब आप हेनरी कोल्डवेल कोक के साथ जाएंगे अदरवाइज नाइन नाइन परसेंट आंसर जो है वो प्रॉबेल ही रहता है है ना तो ये एक छोटी सी बात है उसमें फिर डिपेंड करता है वो क्या कंसिडर करते हैं दोनों ऑप्शन में से प्रोपाउंडर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग कलेक्टिव काउंसलिंग का प्रोपाउंडर कौन है संकल्पनात्मक परामर्श फटाफट से आंसर कीजिए इसमें अलग अलग लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं देखो रॉजर्स जो है ना कार्ल रॉजर्स वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपाउंडर हैं तो कुछ भी मिक्स मत किया करो एप्पल्स को ऑरेंजेस में मिक्स मत करो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपाउंडर कार्ल हैं ना कि कलेक्टिव काउंसलिंग के कलेक्टिव काउंसलिंग किसने दी है थॉर्न ने दी है तो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर नॉट बी ठीक है इतनी बात हम याद रख सकते हैं या नहीं रख सकते चलिए खैर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 56 देखिए टू मॉडिफाई अंडरस्टैंडेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स द मोस्ट इफेक्ट इफेक्टिव मेथड इज छात्रों के अवांछित व्यवहार में संशोधन के लिए कौन सा एक मेथड सबसे बेहतर रहेगा उनको पनिश करें अवॉइड करें इन्फॉर्म करें पेरें पेरेंट्स को या फिर कॉजेस का पता लगाएं तो हमेशा टीचिंग में वो चीज बेहतर होती है जब आप रीजन जानते हैं कि भाई आप लेट आए हो तो पहले रीजन उसकी तो सुन लो कि वो क्यों लेट आया है उसका रीजन क्या है तो पहले आप रीजन जानते हैं कॉज जानते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर का फिर आप रेमेडी सजेस्ट करते हैं तो हमेशा पहले आप डायग्नोस्टिक टीचिंग फिर आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं इसीलिए तो डी ऑप्शन इज दी, दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 92 टू परसेंट आंसर आपके सही आ रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन नंबर है 57 सेवन डिस्लेक्सिया इज रिलेटेड विद डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया टोपिया ये सारे जो हैं डिस्फेजिया ये है uh, कौन सा होता है मोटर वाला जरा लिख के बताओ ना मोटर कोऑर्डिनेशन वाला कौन सा होता है डिस dys... बताओ 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 करके बताओ मेरी तो उम्र हो गई ना पढ़ाते पढ़ाते

तो इसमें क्या होता है रिवर्स राइटिंग हो जाए सॉरी रिवर्स रीडिंग हो जाती है सौ को वॉस पढ़ सकता है बच्चा छे को नौ पढ़ सकता है 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 ना ए ए हो हो सकता सकता उसको ऐसा ऐसा दिखे आपका बी को डी पढ़ ठीक है ठीके? तो डिस्लेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर है अब दो तीन और इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अगर पूछा जाए राइटिंग में डिसऑर्डर तो डिसग्राफिया कहलाएगा क्या कहलाएगा डिसग्राफिया कहलाएगा ठीके? ठीक है ठीक कैलकुलेशन में होगा तो डिसग्राफिया की जगह डिस्कैलकुलिया हो जाएगा है ना कैलकुलेशन से कैलकुलिया लिखने से रिलेटेड होता है ग्राफ तो ये याद रखिएगा लैंग्वेज डिसऑर्डर में आपका डिसफेजिया होता है जनरली या अफेजिया भी इसको कह देते हैं ठीक है मोटर डिसऑर्डर मोटर मतलब भाई टाई बांधने में जूते के फीते बांधने में पैन पकड़ने में दिक्कत है अगर तो ये कहलाएगा तो ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए सिर्फ रट्टे नहीं लगा रहे हैं, हम रहे हम चीजों को रिवाइज कर हैं यहां पे ठीक है है जी इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है एट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है ब्रेल मैथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज एज एजुकेशन प्रोविजन फॉर यानी जो ब्रेल लिपि है और टेप रिकॉर्डिंग ब्रेल लिपि मतलब जिसको टच करके टेक्टाइल मटेरियल है बच्चा पढ़ पाए और टेप रिकॉर्डर जिसको सुन पाए तो ये किसके काम आएगा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों का काम आएगा ये तो एक वर्ड का आंसर है इस पर तो हम समय लगाएंगे भी नहीं लास्ट के दो क्वेश्चन और बच्चे हैं आपके फटाफट से इसका आंसर दे दो पोल में सी डब्ल्यू एस एन स्टैंड फॉर सी डब्ल्यू एस एन की फुल फॉर्म बताओ इसी बात पे कोई हंस रहा है बहुत तेज तेज मैं जरा देखूं आपको कौन हंस रहा है इतने आप करो कॉमेंट फिर मैं आपसे करूंगी बात किसको हंसी आ रही इतनी आज पोल वाले भैया बादाम खा लिए हैं हाँ हाँ धीरज कचौड़ी खा के आए हैं आज पोल वाले भैया और मेरे लिए भी लेके आए मैं क्लास के बाद खाऊंगी रीट की तैयारी कैसे करें ये सब काम आएगा रीट में सबसे पहले मैंने बताया था स्मृति शुक्ला कह रही है अच्छा कोई बात नहीं स्मृति कोई रेस नहीं है जीत गए आप मान लिया हमने रुचिका कुमारी पूजा राहुल पूजा आप मान लेना कि इन्होंने की बताया था सौरभ भैया जिंदाबाद कौन से हैं सौरभ भैया अच्छा ये सौरभ भैया हैं मैम थैंक यू सो मच हम सभी को पढ़ाने के लिए आज मेरा अच्छा फर्स्ट अटेम्प था अच्छा हुआ सीटेट का ललिता चौधरी थैंक यू सो मच जी वेलकम वेलकम राधे लाल राधे राधे सुरंदा भहारी ओके जी राधे राधे राजेश कुमार चलो अब फटाफट से मैं आजकल जिस स्पीड में बोलती हूँ ना मुझे ही नहीं समझ आता मैं क्या बोल गई अगर आपके पोल वाले भैया फिर हजारों वीडियो बना चुकी हूँ तो भैया के दर्शन हो जाते तो हम धन्य हो जाते राजीव कुमार कह रहे हैं पोल वाले भैया को आप हमारे ब्लॉग्स में देखिए हिमांशु सिंह चैनल है दूसरा वहां पे पोल वाले भैया आपको मिल जाएंगे और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं जयपुर के जो अधूरे रह गए थे ठीक है जी और पोल वाले भैया को कोशिश करेंगे बुलाएं चलिए फिर आज पोल वाले भैया रिवाइटल खा के आए हैं भाई आप तो मजाक उड़ा रहे बच्चे का है नहीं भैया बता दो जरा क्या खा के आए हो रिवाइटल तो इन्हें अलाउड भी नहीं होगा जितने छोटे ये हैं देखिए एक बार आओ फटाफट से अगर हम बात करते हैं कितने। अच्छा इसका सी डब्ल्यू एस एन स्टैंड सी डब्ल्यू एस एन की फुल फॉर्म होती है कितना बी एट्टी सेवन पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा इसका मतलब ये तो फिर गलत हो जाएगा बी तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होना चाहिए आंसर सी है? कोई बात नहीं चिल्ड्रन कह रहे पता नहीं बी हाँ, चिल्ड्रन विद कैटेगरी बोलते हैं वो बच्चे जिनको आवश्यकता है चाहे वो सुनने की वजह से हो बोलने की वजह वजह से से चलने की हो, कोई भी उनको एक परेशानी हो उनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं हम बजाय कि उनको विकलांग या कुछ भी ऐसा शब्द देने की बजाय फिर देखिए क्वेश्चन है आज के लिए काउंसलिंग का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है बताइए एक बार फटाफट से जल्दी से जवाब दीजिए इंटरव्यू कॉन्फिडेंस प्रोफेशनल ग्रोथ या कम्युनिकेशन हाँ तो कह सकते हैं सारी चीजें होंगी प्रोफेशनल ग्रोथ को यहाँ से हम हटा देंगे गाइडेंस होती है जनरली प्रोफेशनली खैर काउंसलिंग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ये अपना बैच है कॉल करके पूछ सकते हो अभी भी एडमिशन ओपन है ले लीजिए बहुत मजे आ रहे हैं पढ़ने में यहां भी आ रहे हैं नहीं ले सकते हैं बिल्कुल मत लीजिए है ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये मेरा काम है आपको याद दिलाना जब तक एडमिशन ओपन है ठीक मतलब अभी तो ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है तीन चार क्लासेस हाँ हो गई है एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है विद आंसर मैं शेयर कर दू क्योंकि पेपर आ रहा है आपका तो मैं आंसर्स के साथ मार्क करके दे रही हूँ लेट्स लर्न स्कोर टेलीग्राम चैनल और ये पांच लाख तीन हजार से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं किसी भी फेक चैनल से कृपा करके मत जुड़िएगा और लाइक शेयर ना किया हो तो वो कर दीजिएगा बाकी और अलग अलग एग्जाम में ठीक है पोल वाले भैया के दर्शन आ जाओ भैया अरे कर देना सबको हेलो बोल दे हाँ आ जाओ ना ब्लॉग में तो आ जाता है भाई तू मतलब पोल वाले भैया तो हैरी पॉटर बन के बोल रहे हैं कह रहे नहीं आ जा आ जा ना आ <laughs> शर्मा है खैर कोई नहीं।, नहीं आप इनको ब्लॉग में देखिए हिमांशु सिंह हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम लोग कितने लाग, चार लाख अस्सी हजार के करीब जुड़े हुए हैं किसी और फेक चैनल ना। चैनल जाना दुनिया भर के बने हुए हैं फैन चैनल्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपको फॉर श्योर पेपर में हेल्प करेंगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं वन लाइनर करा दूं कल आपको लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिर हम थर्टी क्वेश्चन का सेट कर लें आई ट्राई कि वन लाइनर करा दूं है ना कल तो बैच में भी क्लास नहीं है ना सैटरडे में तो ऑफ रहेगा

मैम इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और टीम uh, टीम में टीम एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया बट मैं 140 प्लस से दूर रह गया बट प्रॉमिस कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे थैंक यू सो मच मोहम्मद हिफजुर बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग तो इस तरह के टारगेट रखते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं अभी तो इस बार जो सीरेट में हाईएस्ट स्कोर करेगा एक टैबलेट मेरी तरफ से ताकि वो आगे की तैयारी कर सकें अपनी मतलब एक री के तौर पर तैयारी को बन

कृतिशा त्रिपाठी गुड नाइट गुड नाइट का सेशंस देखिए आपको बैठ के सेशन वन पड़ेंगे योगी uh, जी वोट दीजिएगा प्लीज यार राम जी क्या कर रहे हो यार पढ़ाई की बातें चल रही है, है? क्या रखा है इन बातों में सब अपनी समझ से दे ही देंगे ना जिनको uh, समझ में जो आता है वो उस तरह से दे देंगे क्यों बेकार में अपना काम कीजिए अपने जीवन को सफल बनाइए और ऑल द बेस्ट ध्यान रखिए अपना गुड नाइट कल मिलते हैं है ना कल मिलेंगे साढ़े नौ बजे